ज़ारा क्रक्स ये है, बहुत टाइम बाकी है। देर इज नो नीड टू पैनिक। पैनिक करोगे तो वही मर जाओगे। जो डर गया वो मर गया वाली कहानी है यार। जिसने ट्रेंड्स नोट करे हैं, जिसको पता है मेरे को कहां जाना है, जिसको पता है मुझे डीयू का कॉलेज से मतलब है यार, मुझे कोर्स से मतलब नहीं है, जिसको पता है मेरा एम सिविल सर्विसेज है, मुझे कोई भी कोर्स मिल जाए, अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए ताकि सिविल सर्विसेज के एग्जाम में या इंटरव्यू में जब बैठूं तो यार बात करने के लिए तो हो कुछ, उसको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जो दिमाग वाले होते हैं ना वो पैनिक नहीं करते, वो देखते हैं कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कब स्ट्राइक करेगी। ये सारी कट ऑफ्स क्या है यार, एक अपॉर्चुनिटी ही तो है आप सबके लिए, ऐसी अपॉर्चुनिटी जो अगर पहले एनालाइज करोगे तो बेनिफिट में रहोगे। फोर्थ कट ऑफ आ गई, फिफ्थ कट ऑफ की, फोर्थ कट ऑफ में मुझे कुछ अच्छा कॉलेज नहीं मिला, फिफ्थ कट ऑफ की बात करना शुरू करो। फिफ्थ कट ऑफ देखो क्या क्या पास्ट ट्रेंड्स रहे हैं, अगर ये देख लोगे तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूं कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। हमारा कॉलेज लाइफ का डिसीजन बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें समझना पड़ेगा। आप अगर इस सेशन में आए हो तो प्लीज मेरी बात मानना और वेट करना। पेशेंस इज द की माय फ्रेंड, पेशेंस इज द की। याद रखना, देयर इज नो नीड टू पैनिक। जो डरा वो मरा। कोई भी डर के, कोई भी पैनिक होके कभी भी अच्छा डिसीजन नहीं ले पाओगे, एनालिसिस भी नहीं कर पाओगे कि कहां गलत चली गई, व्हाट रॉन्ग स्टेप डिड आई टेक कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो हमें समझना है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। जो बीत गई सो बात गई वाला बात है। हर समय मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, हर समय कोई तुम्हें गाइड करने वाला नहीं मिलेगा। जब तक गलतियां नहीं करोगे तब तक सीखोगे कैसे। एक यार बहुत बढ़िया कोटेशन पढ़ी थी मैंने, मिस्टेक्स के ऊपर कांटा लगा दिया इज इक्वल टू फेलियर। याद रखना इस बात को, बहुत अच्छी बात पढ़ी थी। ऐसे पढ़ा कि ये मिस्टेक्स हैं, मिस्टेक्स के ऊपर कांटा लगा दो इज इक्वल टू फेलियर्स हैं भाई साहब। अगर आप गलती नहीं कर रहे हो इसका मतलब आप फेल हो चुके हो। आपको गाइड करने वाला हर समय नहीं रहेगा आपके सर पे। अब आप बड़े हो चुके हो, 12th पास कर गए हो, आप 18 प्लस हो गए हो, अपना करियर ऑप्शन क्या है, कौन सा बिजनेस करना है, कौन सी जॉब करनी है, कौन से सिविल सर्विसेज में जाना है, पब्लिक ऑफिसर बनना है, पब्लिक सर्वेंट बनना है, सीएम बनना है, पीएम बनना है, अरे बनना क्या है भैया, आपको खुद डिसाइड करना है। उसके लिए एक बेस कॉलेज प्रोवाइड करता है। 3 साल की स्ट्रगल नहीं है, उस स्ट्रगल के बिना आप कुछ नहीं होगे। ट्रैवल करना एक पार्ट है यार, जो कॉलेज में तुम जाने वाले हो उसका मजा कुछ और होने वाला है। लोकेशन बहुत मैटर करती है। कभी भी यार साउथ नॉर्थ में डिलेमा मत रखना कि मैं साउथ में रहता हूं तो नॉर्थ में कैसे ट्रैवल करूंगा, अरे मैं तो गुड़गांव में रहता हूं मैं कोई साउथ का कॉलेज ले लेता हूं। ऐसे नहीं चलता भाई, ऐसी जिंदगी नहीं चलती कि ट्रैवल के बेसिस पे तुम अपने लाइफ डिसीजन डिसाइड कर लोगे। वो डिसीजन तुम्हारे साथ 3 साल तक नहीं रहने वाला, तुम्हारे साथ थ्रू आउट लाइफ रहने वाला है। तुम्हें समझना पड़ेगा भाइयों, मेरी बहनों, कि हमारा लोकेशन बहुत मैटर करता है। लोकेशन के बेसिस पे तो यार कैंपस फॉर्म हो गए हैं, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस, ताकि आप सब एक अच्छा डिसीजन ले पाएं, एक अच्छे मोमेंटम को ग्रास्प कर पाएं, एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में जा पाएं जहां आप भी प्राउड हो, आपके पेरेंट्स भी प्राउड हो, आपके फ्रेंड्स भी प्राउड हो। एक बंदा किसी अच्छे कॉलेज में जाता है ना यार, उस बंदे की लाइफ अफेक्ट नहीं होती, उसके पूरे घर वालों की लाइफ अफेक्ट होती है। उसके घर वालों को एक्सपोजर मिलता है, उसके घर वालों को एक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की होप मिलती है। हाँ यार, हमारा बच्चा एक अच्छे कॉलेज में गया है तो हमें होप है, हमें एक बेटर फ्यूचर की एस्पिरेशन है, एक ड्रीम हम देख रहे हैं कि यार ये बच्चा हमारा एक बहुत ब्राइट निकलेगा। तो आपका डिसीजन बहुत मैटर करने वाला है।